Hello students, in the last class we have seen that there are four key players of our criminal justice system. Number one, the police, the public prosecutor, number three, defense lawyer, and number four, judge. Now we will discuss the functions and the role of various key players one by one. So first let's discuss what is the role or what is the function of the police. The main function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime and to collect different kind of evidences and record the statement of the witnesses. Matlab sabse mukhya kaam police ka hota hai investigation karna aur different evidences ko crime place se collect karna aur एविडेंसेस के मतलब एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद साथ ही साथ उनको स्टेटमेंट्स जो है रिकॉर्ड करना, गवाहों के बयान जो है उनको रिकॉर्ड करना, ये इनका सबसे मुख्य काम होता है. ओके, सो द व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस? फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट, collect evidences. Understood? So after collecting evidences, after recording the collecting evidences and recording the statement of the witnesses, जब इन सारे काम होने के बाद जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उनके पास पर्याप्त evidences है और गवाहों के बयान है जिससे वो आरोपी को दोषी ठहरा सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में वो कोर्ट में चार्जशीट दर्ज कर सकते हैं. Okay, so one important point here you have to keep in your mind that it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. It is the job of the judge to decide whether a person is guilty or innocent. जैसे कि हम लोग सब जो है, हम हर नागरिक, हम इस देश के हर नागरिक कानून के अधीन रहकर ही काम करते हैं, इसी प्रकार पुलिस ऑफिसर को भी कानून के अधीन रहकर काम करना है. और जब वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो कानून के तहत और मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करें. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द पुलिस ड्यूरिंग अरेस्ट, इंटरोगेशन एंड डिटेंशन. द पुलिस हैज़ नो राइट टू बीट और टॉर्चर और बीट एनी पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. ये यहाँ तक कि छोटे से छोटे जुर्म के लिए वो कोई किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं. सो आपको यहाँ पता चल गया है कि पुलिस ऑफिसर हैज़ नो राइट टू पनिश एनी वन इवन फॉर ए पेटी ऑफेंसेस. ओके, नाउ वी सी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीज टू एवरी अरेस्टेड पर्सन सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. माने हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 और क्रिमिनल लॉ के तहत हर गिरफ्तार व्यक्ति के अपने कुछ मौलिक अधिकार है. जैसा पहला क्या मौलिक अधिकार है? जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको पूरा राइट है ये जानने का कि उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है. ही हैज़ अ राइट टू नो फॉर व्हाट ही हैज़ बीन, फॉर व्हाट रीजन ही हैज़ बीन, फॉर व्हाट क्राइम ही हैज़ बीन अरेस्टेड. अंडरस्टूड? देन द सेकेंड इज जस्ट आफ्टर हिज अरेस्ट ही हैज़ द राइट टू बी प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. एक बार जब व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो ठीक 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का पूरा हक है. तीसरा, जब गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो तो उस दौरान वो उसके साथ किसी तरीके से दुर्व्यवहार या यातना नहीं होना चाहिए, यह उसका हक है. चौथा पॉइंट, जब द कन्फेशंस दैट इज मेड इन द पुलिस कस्टडी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द मेन एविडेंस बाय द कोर्ट और इन द कोर्ट. मतलब जो गिरफ्तार व्यक्ति जो कन्फेशन, जो इकबालिया बयान पुलिस कस्टडी में
करता है या उसको जो है आप एक मेन एविडेंस के रूप में आप उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। और सबसे फिफ्थ जो सबसे लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट ये है, अ पर्सन बिलो ए बॉय बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज एंड अ वुमन कैनॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग। हियर बालक जो 15 साल से कम उम्र का बालक या महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता किसी भी प्रकार के सवाल या जवाब के लिए। सो दीज आर द फाइव इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। इसी के अंतर्गत पुलिस, जैसे अभी हमने देखा पुलिस का क्या रोल है, व्हाट द पुलिस कैन डू एंड व्हाट पुलिस कैन नॉट डू, इजंट इट। नाउ इसी के अंतर्गत आता है डी के बासु गाइडलाइंस। डी के बासु गाइडलाइंस, नाउ व्हाट इज दिस, ओके। सो सी डी के बासु, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट detention and interrogation of any person. These are known as D.K. Basu guidelines and some of these include the हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश लागू किए गए हैं जो पुलिस ऑफिसर जब किसी की गिरफ्तारी करे या इंटरोगेशन करे तो ये सारी दिशा निर्देश वो अपने ध्यान में रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वेयर क्लियर एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग विद देयर डेजिग्नेशन। इसका ये मतलब है जब कभी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करते हैं या किसी से इंटरोगेशन करते हैं तो उस दौरान उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका जो नेम टैग मतलब नाम पट्टी और उनका डेजिग्नेशन एकदम क्लियरली मेंशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हिज नेम एंड द डेजिग्नेशन शुड बी क्लियरली विजिबल। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस who could include a family member of the person arrested. The person memo, the arrest memo should be countersigned by a person arrested. It means, memo यहाँ memo का मतलब क्या होता है, एक written statement है। जब police officer किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वक्त जाते हैं, जब वो गिरफ्तार करते हैं तो उनको एक written statement दिया जाता है, एक written statement prepare करना होता है जिसमें time of arrest, प्लेस ऑफ अरेस्ट और पूरे क्राइम के बारे में जो अरेस्ट और उसमें बाकी डिटेल्स क्राइम से रिलेटेड उनको जो है डिटेल्स लिखना पड़ता है। एंड साथ ही साथ उसमें जो है एटेस्टेशन मतलब उसमें किसी एक गवाह का एटेस्टेशन होना ज़रूरी है। ये हो सकता है जो व्यक्ति उसमें अटेस्ट कर रहा है जो विटनेस के तौर पर वो गिरफ्तार व्यक्ति के घर का कोई मेम्बर भी हो सकता है। और अंत में जो है इस अरेस्ट मेमो में यहाँ पे जो गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड पॉइंट, द पर्सन अरेस्टेड डिटेन और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव फ्रेंड और वेल विशर। इसका यह मतलब है जब गिरफ्तार व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है या इंटरोगेशन किया जाता है तो उस वक्त उस व्यक्ति का पूरा हक बनता है कि वो अपने परिजन या परिवार वालों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में इन्फॉर्म करे। ओके। नाउ लास्ट इज व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट द टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाई पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट। इसका यह मतलब है जब गिरफ्तार व्यक्ति जो है जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके कोई परिजन या परिवार वाले काफ़ी दूर मतलब उस जगह से दूर रहते हैं तब ऐसी स्थिति में ये पुलिस ऑफिसर का काम है कि उनके परिजन और परिवार वालों को अरेस्ट की जगह, गिरफ्तार व्यक्ति के अरेस्ट की जगह और उसका किस टाइम उनका अरेस्ट हुआ और वहाँ पे उन्हें कौन से वेन्यू कौन से जगह पे कस्टडी पे रखा गया है इस बात को उनको इन्फॉर्म करें, उनके परिवार वालों को और उनके परिजन को 8 से 12 घंटे के अंदर उनको इन्फॉर्म करना है। ये दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। Understood. So these are some of the guidelines that has been issued by the Supreme
court, and that one police officer must keep in his mind when he does interrogation, or he arrests a person, or he detention. Understood? So now it is clear with you what is DK Basu guidelines, matlab DK Basu Disha Nirdesh. Okay, so I hope you have understood this. The next topic, very important topic in the role of the police officer, is the FIR. You might have heard in the last class also, in the previous class, what is FIR? FIR is a first information report. Jab tak FIR register nahi hota, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता. जब कोई कंप्लेनेंट संज्ञेय अपराध की सूचना लेकर जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है या पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर हिज कंप्लेंट, या उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करें. ओके, नाउ जब वो रजिस्टर करते हैं तो उसमें जहां अपराध हुआ, किस वक्त हुआ, कहां पे हुआ, और उसका पूरा विवरण जो है एफआईआर में दर्ज करना पड़ता है. जब जो संज्ञेय अपराध की सूचना जिस व्यक्ति ने दिया है, हो सकता है वो बोलकर, मतलब अपने ओरली ही कैन से, और या वो रिटर्न में भी वो बोल सकते हैं. तो ऐसे स्थिति में ये सारा जो विवरण है, ये सभी कुछ जो है, इस सब के बारे में एफआईआर में दर्ज होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है जो इंसान सूचना दे रहा है उसे किसी पर शक हो, तो वो भी उसमें उसका विवरण होना चाहिए, मतलब उसमें वो भी उसके बारे में भी एफआईआर में लिखा जाता है कि किस पर आपको शक है. देन जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसका नाम और पता भी एफआईआर में लिखा जाता है, और अंत में एफआईआर में अंत में एक हस्ताक्षर, संज्ञेय अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टूड? बहुत ही ज़रूरी है. अब यहाँ पे जब उसके हस्ताक्षर होने के बाद, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू गिव ए कॉपी ऑफ एन एफआईआर टू द पर्सन, टू द कंप्लेनेंट, फ्री ऑफ चार्ज. मतलब उसके लिए उसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो उसका अधिकार है कि उसे एफआईआर का कॉपी मिले. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या किया जाए अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, और व्हाट टू डू इफ़ अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूसेस और डिनाइज टू फाइल एन एफआईआर. हियर इन सच अ केस, इफ एन एग्री पर्सन, If the police officer refuses to file an FIR, then the aggrieved person can approach the magistrate at the High Court and write a complaint petition. After receiving a complaint petition, the magistrate orders a police officer to file an FIR within 24 hours. If he failed to do so, at that point of a time, the magistrate has a right to take a disciplinary action against the police officer. क्या किया जाए अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे? तो ऐसे स्थिति में जो कंप्लेनेंट है वो जो है मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, एक कंप्लेंट पिटिशन लिखकर दे सकता है, और जैसे ही मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट पिटिशन मिलता है तो वो ऑर्डर करते हैं पुलिस ऑफिसर को कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें. अब इसके बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो ऐसे स्थिति में, या एफआईआर दर्ज ना करे तो ऐसे स्थिति में मजिस्ट्रेट का पूरा हक है, ही हैज़ अ राइट टू फाइल और टू टेक ए डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर. अंडरस्टूड? सो हियर आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस विटनेसेस एंड कलेक्ट एविडेंसेस. ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट डीके बासु गाइडलाइंस, मतलब डीके बासु दिशा निर्देश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है. जब पुलिस ऑफिसर जब किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, जब किसी को इंटरोगेशन कर रहे हो, तो उस वक्त उनको
फॉलोइंग जो चार मैंने दिशा निर्देश आपको बताया उसको वो ध्यान में रखते हुए ही हैज़ टू वर्क. देन हमने बात किया FIR विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन मस्ट नो दैट इज़ व्हाट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आई टोल्ड यू एंड इवन आई हियर आई टोल्ड यू कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे दर्ज करने से तो हमारे पास क्या उसका मतलब what we can do, what is the next we can do to file our FIR. Okay? So, you have understood? क्योंकि इसमें संविधान में इसके लिए भी प्रावधान है अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसके लिए क्या राइट्स हैं हमारे तो उसके बारे में भी संविधान में इसके लिए प्रावधान है जो मैंने आपको अभी बताया. सो द रोल ऑफ द पुलिस इज क्लियर विद यू. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट key player is the public prosecutor. Now, what is the role of the public prosecutor? Like, for example, we have seen the Shanti's case, isn't it? हमने शांति के केस को देखा. उसी तरीके से उसमें आपने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल था, उसमें उसे कई सवाल पूछे गए. सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इसमें ये फंक्शन है कि जब कभी कोई क्राइम होता है, जब कभी वेन एवर एनी क्राइम दैट टेक प्लेस इन द सोसाइटी, वी विल नॉट कंसिडर एज ए क्राइम अगेंस्ट वन इंडिविजुअल, इट विल बी कंसिडर एज ए क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखा होगा चपाक, जिसमें दीपिका पादुकोण एक एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल अदा करती हैं. यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्राइम है वो भले एक लड़की के अगेंस्ट है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट या क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. क्योंकि यही जो क्राइम है, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. इसीलिए जो शांति का जो आपने इंसिडेंट सुना था उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस, उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम. अंडरस्टूड? उसमें ये नहीं लिखा कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम. मिस्टर एंड मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम, ये नहीं लिखा. अंडरस्टूड? दिस इज द करेक्ट वन. Here we will say it is a state because any crime that take place in the society will consider as a crime against the state. Understood? That's why it is called as a state versus Shanti Hebram. Now, अब public prosecutor का क्या काम है? The main function of the public prosecutor is to represent the interest of the state. और जब एक बार charge sheet दर्ज हो जाता है, जब पुलिस एक बार चार्जशीट दर्ज कर देता है, उसके बाद ये मेन फंक्शन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कि वो सारे एविडेंसेस को कोर्ट के सामने रखे, सभी गवाहों के बयान को कोर्ट के सामने इम्पार्शियली निष्पक्ष तरीके से रखे, ताकि कोर्ट को सही मतलब सही क्या हुआ वहाँ पे, क्या सच्चाई जो है कोर्ट को पता चले. सो इट विल बी ईजी फॉर द कोर्ट टू डिसाइड और टू गिव द वर्डिक्ट इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लेज अ रोल इम्पार्शली एंड कीप ऑल द एविडेंसेस एंड द विटनेसेस क्लियरली इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. अंडरस्टूड? सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टू कीप ऑल द थिंग्स एविडेंसेस विटनेसेस एंड एवरी थिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर द कोर्ट टू गिव ए डिसीशन और to easy for the judge to give the verdict. So it is a very important role of the public prosecutor in the criminal justice system. Now, after this, we'll come to the who's the next third key player is the defense lawyer. Now, defense lawyer. जैसे कि आपने शांति के केस में देखा कि उनकी जो लॉयर थी, जो स्टेट द्वारा दिया गया था, एडवोकेट कमला रॉय, उनका मेन काम होता है कि अपने क्लाइंट के पक्ष को कोर्ट के सामने रखना.
ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से सवाल जवाब करती है और ये कोशिश करती है कि वो अपने पक्ष, अपने क्लाइंट को वो कैसे निर्दोष साबित करे, जैसे शांति के केस में हुआ। तो दैट इज़ द मेन जॉब या मेन फंक्शन ऑफ द डिफेंस लॉयर इज टू प्रूव हर क्लाइंट इनोसेंट, एंड फॉर दैट शी क्रॉस क्वेश्चंस द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड शी ऑल्सो शोज वेरियस एविडेंसेस, कीप एविडेंसेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हाउ शी विल सेव हर क्लाइंट एंड हाउ शी विल डिक्लेयर हर क्लाइंट एज अ इनोसेंट, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ शांति। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेयर इज द जज। जज को हम इसमें क्या बोलते हैं कि ही इज़ द अम्पायर। हियर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उनको हम बोलेंगे अम्पायर। ही इज़ द रियल की प्लेयर हु विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेसेस एंड द क्रॉस एग्जामिन ऑल दैट स्टेटमेंट्स एंड द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द वेरियस विटनेसेस एंड ऑल, ही विल डिसाइड वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। So he is the key, main key player. Understood? So that's why he is called as a umpire in the game. जैसे वो बोलते हैं ball या no ball है, तो जैसे umpire बोलता है उसी तरीके से यहाँ पे judge umpire है और ये तय करते हैं witnesses और evidences के मद्देनज़र रखते हुए, सभी cross question examine और उनके statements को मद्देनज़र रखते हुए वो declare करते हैं कि arrested person की accused person जो है वो innocent है, दोषी है या वो निर्दोष है। ओके, सो इन द शांति केस वी हैव सीन दैट द जज डिक्लेयर्ड दैट शांति इज इनोसेंट। अगर मान लीजिए शांति इसमें गिल्टी होती तो ही हैज़ द राइट टू गिव हर पनिशमेंट, और पनिशमेंट इन द सेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईयर्स, फॉर ए ईयर और फॉर ईयर और टू, और उसको कुछ फाइन चार्जेस देने के लिए बोला जा सकता था एज ए पनिशमेंट के रूप में। बट यहाँ शांति के केस में वो साफ हो गया कि शी इज़ नॉट अ कल्प्रिट, शी इज़ नॉट द वन हु हैव स्टोलन द गोल्ड चेन, सो दैट्स वाई शी हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द कोर्ट एंड शी हैज़ बीन कॉल्ड एज इनोसेंट। इज दैट क्लियर नाउ? सो वी हैव सीन हियर दीज ऑल मीन्स द पुलिस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्रिमिनल, आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब होता है निष्पक्ष सुनवाई। सोचिए क्या होता अगर शांति के केस में, जैसे आपने देखा कि अगर सोच लीजिए, अगर जैसे शांति के केस को मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए, अगर जो केस है एक बंद कमरे में बिना शांति के और बिना सुशील जो उसके भाई के अगर सुनवाई होती तो क्या उसको एक फेयर ट्रायल हम बोल सकते हैं? क्या होता अगर एडवोकेट कमला रॉय को इतना वक्त नहीं दिया जाए कि वो अपने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से सवाल कर सके या क्रॉस क्वेश्चन कर सके, तो क्या हम उसको एक फेयर ट्रायल मान सकते हैं? नहीं। यहाँ दे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 गारंटीज एवरी पर्सन राइट टू, एवरी सिटीजन राइट टू लाइफ, विच स्टेट्स दैट एनी पर्सन्स लाइफ और फ्रीडम कैन बी टेकन ओनली बाई फॉलोइंग रीजनेबल एंड लीगल, जस्ट लीगल प्रोसीजर। मतलब राइट टू लाइफ जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता को छीनने का किसी को अधिकार नहीं है जब तक उसके तर्क संगत या कोई न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ये प्रूफ हो, तभी जो है किसी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही उसकी स्वतंत्रता
या उसकी जीवन को छीना जा सकता है। तो फेयर ट्रायल में ये पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी कारण से किसी भी, ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ है या उसका जो फ्रीडम है उसे छीना नहीं जाए। तो यहाँ शांति के केस में हमने देखा कि एक ओपन एरिया, एक ओपन कोर्ट में सबके सामने जो है केस रखा गया, सुनवाई हुई, पेशी हुई, हर किसी ने यहाँ पर अपना, दोनों पक्षों ने अपना बात, अपनी जो बात है वो रखी, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया। तो ये सबके सामने हुआ, एक ओपन कोर्ट है जहाँ सुशील भी थे और उसके जो भाई है सुशील भी थे और उनकी शांति भी थी और विटनेसेस भी थे। तो ये सबके सामने जो है ये सुनवाई चल रहा था। तो इसको हम बोलते हैं ए फेयर ट्रायल। Now, it is the responsibility of the public prosecutor to prove beyond reasonable doubt that Shanti is guilty. But in this case, he failed to do so. The prosecution was failed to do so. That's why Shanti has been proved as a innocent. समझ में आया? जब प्रोसिक्यूशन फेल हो गया ये साबित करने में कि शांति दोषी है, तब जो है उसे निर्दोष करार दिया गया। अंडरस्टूड? सो फेयर ट्रायल में आपने देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, निष्पक्ष सुनवाई। मतलब यहाँ पे किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, एकदम निष्पक्ष रूप से, इम्पार्शियल रूप से जो है सुनवाई हो और लोगों को जस्टिस मिले, इसी को हम बोलते हैं फेयर ट्रायल। So my dear students, while I will conclude now, while concluding, one important thing I would like to say, this all the four players, that is the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge, they must do their work impartially and efficiently to ensure every citizen of India a fair trial irrespective of creed and language or gender, etc. Otherwise, the sentence which is in there in our constitution, that is equality before law. Yeah. The sentence when we say everyone is equal before the before law, or we say everyone is equal in the eyes of law, will remain meaningless unless and until a fair trial is not ensured. So there are some important terms in this chapter that we might have come across, we came across, like accused. This refers to the person who is tried by a court for a crime. Matlab, जब पर्सन, कोई इंसान जिसके ऊपर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है उसको हम बोलेंगे एक्यूज्ड। ओके, नाउ कॉग्निजिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजिबल? हियर दिस रेफर्स टू एन ऑफेंस फॉर विच द पुलिस मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है बिना कोर्ट के परमिशन के, उसको हम बोलेंगे कॉग्निजिबल। नाउ व्हाट इज क्रॉस एग्जामिन? Cross examine means this refers to the questioning of a witness who has already been examined by the opposing side in order to determine the veracity of his or her testimony. Iska matlab cross examine jahan dono witnesses, prosecution ke witnesses ke sath aur jo hai defense lawyer ke witnesses ke sath jab vakil questioning karte hain usko hum cross examine bolte hain. Then next comes detention. This refers to the act of being kept in illegal custody by the police. जब कभी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा जाए तो उसको हम बोलेंगे detention. Impartial मतलब the act of being fair or just and not favoring one side over another. इसके मतलब किसी एक पक्ष में ना बोले जबकि वो impartial रहे, मतलब वो निष्पक्ष रूप से अपना decision दे, इसी को हम बोलते हैं impartial. Now what is offence? Offence माने जब भी कोई हमारे कानून के हिसाब से कोई काम को, अगर कोई काम को crime माना जाए तो उसको हम बोलेंगे offence. Now what is the next? To be a charges of crime. This refers to the trial judge informing the accused in writing of the offence for which he or she will face trial. मतलब यहाँ judge written में
उस व्यक्ति को, मतलब जिसे एक्यूज को, रिटर्न में लिखकर देंगे कि वो किस कारण उसको कोर्ट में पेश होना होगा और ही विल फेस ए ट्रायल. इसको बोलते हैं टू बी चार्जेस ऑफ क्राइम. द नेक्स्ट कम्स विटनेस. विटनेस माने गवाह. सो हियर दिस रेफर्स टू द पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन इन कोर्ट टू प्रोवाइड ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट ही और शी हैज सीन, हर्ड और नोज. मतलब उसे क्या पता है, विटनेस गवाह को क्या पता है, उसने क्या सुना है अपराध से रिलेटेड, उसी को हम बोलते हैं विटनेस. ओके, गवाह को हम बोलते हैं विटनेस. सो आई होप माई स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर क्लियरली, एंड थैंक यू. जय हिंद.